बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत से होंगे, खुश खुशहाल होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे, वालदैन के साए में रखे, हर बुरी घड़ी तकलीफ आफत मुसीबत और परेशानी से बचा के रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सा बीफ पुलाव, टेस्टी और बहुत मजे का, गजाइयत से भरपूर और जायके की तो बात ही कुछ और है। चलिए व्यूअर्स, के इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं और इसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। टेस्टी और मजेदार सा बीफ पुलाव, चलिए व्यूअर्स को कुक करते हैं। कैसे कुक करेंगे इसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लें व्यूअर्स। आज हम आपको मजेदार सा पुलाव बनाना सिखा रहे हैं, जिसके ये इंग्रीडियंट्स हैं आपके सामने। दो बड़े खाने के चम्मच मेरे पास है नमक, ये हम ले लेंगे, और दो बड़े खाने के चम्मच हमारे पास सौंफ है, और यही डेढ़ खाने का चम्मच मेरे पास साबुत धनिया है व्यूअर्स, जो हम इस पुलाव में डालेंगे। और ये डेढ़ टेबल साबुत धनिया और डेढ़ टेबल स्पून हमें गर्म मसाला चाहिए, साबुत सारा मिक्स मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, दो अदद हमें प्याज चाहिए, वो हम इसमें डाल लेंगे, और उसके अलावा ये एक दो लहसुन की पोथियां हैं व्यूअर्स, ये हम पूरा का पूरा इसमें शामिल कर देंगे। और ये अदरक का पीस है जो हम इसमें डालेंगे यखनी बनाते हुए। और ये हमारे पास है गोश्त व्यूअर्स, हड्डी और बड़ी बोटियों वाला, क्योंकि हम इसे मजेदार बेहतरीन सा बनाएंगे आज पुलाव, टेस्टी भी और मजे का भी। और इसके अलावा काफी सारे गोश्त मेरे पास और भी है बोटियों वाला, वो भी हम डालकर अच्छा से बना लेंगे। तो ये व्यूअर्स, सारा का सारा हमें पैकेट में से निकाल लेना है और उसको हमें डालना है कुकर में। ये कुकर में हमारे पास और भी गोश्त है व्यूअर्स, इसको भी हम शामिल कर लेंगे। चाय बना रहे हैं मजेदार बेहतरीन सा आपके लिए बीफ पुलाव। तो ये व्यूअर्स, मैंने सारा गोश्त इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें प्याज को भी ऐसे बड़े कट लगाकर हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार था हमारा आज बीफ पुलाव तैयार हो रहा है व्यूअर्स, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बगैर स्किप किए। टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए हम ये आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो इसको ऐसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जबरदस्त सा ये पुलाव तैयार हो गया व्यूअर्स। अदरक का पीस इसमें डाल देंगे, ये लहसुन के कुछ जवे मैंने छीले थे वो इसमें शामिल करेंगे, और ये पूरी पोथी हमने इसमें ऐसे डाल देनी है, और ये बाकी स्पाइसेस भी हमने सारे इसमें शामिल कर देने हैं, क्योंकि मजेदार सी हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको आपको चावल बना के सिखाएंगे, चावल डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे इतना जिसमें हमारे गोश्त अच्छे से गल जाए। बड़े बहुत भरकर पानी को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त गलाना भी है और उसकी यखनी भी तैयार करनी है, इसलिए हम इसमें काफी सारा पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें यखनी भी तोड़नी है। मैंने तीन बड़े बाउल भरकर पानी के इसमें डाल दिए हैं, और उसको अच्छे से हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 45 मिनट तक हम इसको वेट दे देंगे कुकर को पकने के लिए। अब इस टाइम पे भी मैं कुकर को बंद करूंगी, आप देख सकते हैं ये कुकर मैंने बंद किया। अब इस पर विसल रखेंगे, और जैसे ही विसल बजेगी तो व्यूअर्स के पास हम 45 मिनट का टाइम नोट करेंगे, और अब हम इसको रखते हैं फ्लेम पर। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने कुकर को रख दिया है फ्लेम पर, और अब फ्लेम को करते हैं ऑन हम, ताकि हम गोश्त को अच्छे से गला लें और जखनी बेहतरीन सी तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब फ्लेम को ऑन करेंगे, उसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही विसल बजेगा उसके बाद से हम 45 मिनट का टाइम नोट कर देंगे, उसके बाद हम गोश्त को चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है, और फिर देखेंगे इसकी जखनी कहाँ तक पहुंची। इसके बाद अब व्यूअर्स, हम पुलाव के चावल निकाल लेते हैं इस टाइम तक, और बाकी मसाले तैयार करेंगे। व्यूअर्स, टाइम पे ये चावलों को मैंने अच्छे से भिगो दिया है पानी में धोकर, ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब चावल हैं, तो वो हमने अच्छे से पानी में धोकर इनको भिगो दिया है, जब तक कि हमारा वो यखनी तैयार होती है और साथ मसाला तैयार होगा, उस टाइम तक हम उनको भिगने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 10 मिनट तक पानी में भिगो के रखेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, जिसमें हम डालेंगे स्पाइसेस वो आपके सामने हैं, 2 टेबल स्पून हमारे पास सॉल्ट है वो हम इसमें शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा रेड चिली है वो इसमें हम डालेंगे, 1 टेबल स्पून हमें साबुत गर्म मसाला चाहिए वो हम इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए वो हम इसमें डालेंगे, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए अदरक पाउडर वो हम इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद 1/2 टीस्पून हमें जीरा पाउडर चाहिए, उसके अलावा 1/2 टीस्पून में हमें लहसुन पाउडर चाहिए जो हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून हमें चाहिए जीरा पाउडर और गरम मसाला भुना हुआ कूटा हुआ पिसा हुआ अच्छा सा हम इसमें शामिल करेंगे। इन सारे मसालों से हम बना रहे हैं मजेदार सी आज बीफ पुलाव, टेस्टी भी है और बहुत मजे की है। उसके बाद व्यूअर्स, इसमें जो हमें मसाले में प्याज चाहिए वो हम अनियन डालेंगे, तकरीबन 4 अदद अनियन ले
लेंगे, हमने इसको बारीक चाकू के अच्छे से डाल देना है। और ये चार ये हमें टमाटर चाहिए जो हमने फ्रीज कर लिए थे, इनको भी हम बारीक काट कर इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे ऑयल चाहिए हसबैंड जरूर, हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे मसाला भूनने के लिए। बड़ी मजे की हम बीफ पुलाव बना रहे हैं। चलिए व्यूअर्स को नेक्स्ट टाइम नोट कर लेंगे हम इसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। और जब तक हमारी चखनी बेहतरीन से तैयार हो रही है, इस टाइम तक हम इसका मसाला भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इससे मेरे व्यूअर्स मैं ये प्याज को अच्छे से कट कर लूंगी। आप देख सकते हैं प्याज को मुझे लकड़ी चॉप करना है क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार था बीफ आज बीफ पुलाव पकड़ा है, बहुत टेस्टी और बहुत मजे का है। तो जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और कम्प्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बीफ पुलाव टेस्टी और मजे का बनेगा। जी प्याज और टमाटर हमारे गोटे से सारे मैंने काट लिए हैं। चलिए व्यूअर्स अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करते हैं। अब लेते हैं हम बड़ा पतीला, उसमें डालेंगे ऑयल और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसको रखते हैं साइड पर, जब तक हम यखनी को भी चेक कर लेंगे यखनी की क्या पोजीशन है। व्यूअर्स इस समय हमने बड़ा पतीला ले लिया है, बड़ा पतीला रख लिया है फ्लेम पर। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है, बिस्मिल्लाह रहमान और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। उस पतीले में हम डालेंगे ऑयल ताकि हम मसाला अच्छे से तैयार कर लें बीफ पुलाव के लिए। इसमें ऑयल डालेंगे दो बड़े खाने के चम्मच, दो से ढाई चम्मच हो सकते हैं क्योंकि जो गोश्त हम यखनी क्या करें उसमें भी ऑयल निकलेगा क्योंकि उसमें भी चर्बी काफी सारी होती है। तो इसलिए हम इसमें ऑयल इतना ज्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन दो बड़े खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। उसमें प्याज काफी अच्छी थी सारी सारी इसमें शामिल कर देनी है, जिसकी लाल खाने ही अच्छे से हमने सारी प्याज से शामिल कर देनी है। मैं ब्लॉक कुकर को भी खोलूंगी ताकि जखनी की पोजीशन भी चेक कर लें कि जखनी की क्या पोजीशन है। फिर वो कहते हैं बंद, इसकी जैसे स्टीम रिमूव होगी कुकर की तो इसके बाद मैं कुकर को खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि जखनी कितनी ज्यादा लगी है और गोश्त की क्या पोजीशन है। और यहाँ पे फुल फ्लेम पे हम अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें सारे के सारे टमाटर शामिल कर देने हैं जो हमने काटे थे, जिसमें लाल मर रही हूँ हमने ये भी डाल देने थे। और सब व्यूअर्स में सारे स्पॉट्स मैंने शामिल कर देने थे, जिसमें लाल हमने भी सारे के सारे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें सारा गोश्त डाल देंगे जो हमने यखनी के अंदर डाला हुआ था। फिर उसको छानना है गोश्त को और फिर हम लोग शिफ्ट कर देंगे ताकि गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त हमारा गोश्त इस टाइम पे गल चुका है।
तो साथ ही हम जितनी भी डाल देंगे तो सब अभी बस सब मैं इसमें यखनी भी शामिल कर दूंगी। बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सा हमारा ये बीफ पुलाव तैयार हो रहा है व्यूअर्स, टेस्टी भी और बहुत मजे का, तो इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा आप, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा मजेदार सा पुलाव तैयार होगा। ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत मजे का पुलाव तैयार हो जाएगा। और इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्चों से तो बहुत मजे का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे व्यूअर्स पर्सनली हरी मिर्चें बहुत पसंद है, इसलिए मैं जरूर डालना चाहूंगी इसमें। ये 6 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी है इसमें। व्यूअर्स टाइम पे मेरे पास ये थोड़ा सा सैलेड है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, थोड़ी सी बंद गोभी है, थोड़ा सा लींबू, थोड़ी सी गाजर, वो भी हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। इसमें चावल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चावल है मेरे पास जो मैंने धोकर अच्छे से रख लिया था, इनका पानी सारा मैंने वेस्ट कर दिया था। इन सारे चावलों को मैं डाल दिया, 1.5 किलो के करीब चावल थे मेरे पास, यानी कि तकरीबन 6 से 7 गिलास। व्यूअर्स अब जितना ज्यादा अच्छा सा गोश्त डालेंगे उतनी ही ज्यादा मजेदार से हमारी ये भी पुलाव तैयार होगी, टेस्टी भी और बहुत मजे की। इसमें चम्मच से ऐसे हिला लेंगे, ये देखें चावल आप देख सकते हैं, चावल हमारे अच्छे से पानी में डूब चुके हैं। व्यूअर्स इतना ही पानी हमें चाहिए होता है ताकि हमारे अच्छे से चावल तैयार हो जाए। अभी फुल फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और थोड़ी देर बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके ताउन का, कि आप मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करते हैं और पसंद भी करते हैं, और कमेंट्स पढ़ने का तो मुझे बहुत ही मजा आता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आपको मेरी रेसिपी सारी अच्छी लगती है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे मेरे को इसमें कवर कर दूंगी और थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि पानी काफी हद तक खड़ा है, अच्छे से गला लेना। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। हम कवर हटा के देखेंगे, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह काफी तक पानी खुश्क हो गया है काफी हद तक, तो व्यूअर्स हम इसका कवर कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से चावल हमारे कुक हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके ऊपर वजन रखेंगे कोई। ये वजन कर दूंगी, इसको हमने दम पे रख देना है ताकि स्टीम्स की रिमूव ना हो और अच्छे से दम लग जाए। फिर उस टाइम पे हम इसको खोल के चेक करेंगे कि हमारे चावलों की क्या पोजीशन है, क्योंकि मजेदार सा बीफ पुलाव उस टाइम तैयार होने वाला है कम्प्लीट, तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के चेक करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त से बीफ है। चम्मच थोड़ा सा चम्मच हिलाकर देखेंगे, ये देखें जबरदस्त बेहतरीन सा हमारा बीफ पुलाव क्या मजेदार सा तैयार हो रहा है। व्यूअर्स देख सकते हैं, बस थोड़ा सा देर और इसको हम इसको दम पे देंगे। ऐसे ही वजन रख के कर देंगे, क्योंकि मैंने कपड़ा लगा के दम नहीं दिया, इसको मैंने ऐसे ही दिया, सिर्फ 2 सेकंड और करेंगे उसके बाद हम उतार लेंगे। फिर इस टाइम पे हम इसका कवर हटा के देखेंगे चावलों की क्या पोजीशन है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त हमारे चावल इस टाइम पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, टेस्टी भी और मजेदार से हमारी ये बीफ पुलाव तैयार हो गई है। इस टाइम पे आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त हमारे ये चावल, जबरदस्त एक एक दाना इसका अलग अलग है और टेस्ट में तो बहुत ही मजे के। फिर इसको जरूर खाइएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और चले अब इसको सर्व करते हैं, आपको अच्छे से बॉल में शिफ्ट करके दिखाती हूँ। चलेगा
प्याज को। स्टर्निंग पॉइंट पे चलते हैं। लीजिए व्यूअर्स, सिस्टम पे बेहतरीन सा हमारा बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। अब जब हम अच्छे से बॉल में शिफ्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक दाना अलग अलग है। क्या टेस्टी और क्या मजे का है ये चावल। हमारा बेहतरीन सा तैयार हुआ है बीफ पुलाव, टेस्टी और मजे का। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, आप इसकी बूटी चेक करें, बहुत गर्म है व्यूअर्स। आपको दिखा रहे भी, ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका गोश्त कैसा जबरदस्त है। ये बिल्कुल रेजा रेजा हो चुका है, क्योंकि पुलाव में ऐसा गोश्त ही हमें चाहिए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूंगी। ढेर सही दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।